खबर हरबटपुर से। पछवादून के विकास नगर क्षेत्र में बढ़ रही हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं के संबंध में हिंदू रक्षा मंच के अध्यक्ष स्वामी प्रबुद्धानंद गिरी महाराज पहुंचे हरबटपुर। लोकचंद न्यूज संवाददाता पंजाब सिंह मजीठिया की रिपोर्ट। उत्तराखंड जनपद देहरादून के विकास नगर में हो रही लगातार छेड़छाड़ की घटनाओं के बाद हिंदू रक्षा मंच के अध्यक्ष स्वामी प्रबुद्धानंद गिरी महाराज आज हरबटपुर पहुंचे। स्वामी के द्वारा क्षेत्र अधिकारी विकानसगर भास्कर लाल शाह से बात की और पुलिस प्रशासन को 2 दिन का समय दिया कि इन मामलों में तुरंत कार्रवाई हो। बताते चले कि स्वामी प्रबुद्धानंद गिरी महाराज पहले भी कई बार विकासनगर क्षेत्र के भ्रमण पर रहे हैं और पहले भी उन्होंने कई मुद्दे पर वार्ता की है। वही आइए जानते हैं क्या कहना है स्वामी प्रबुद्धानंद जी महाराज का। कंटिन्यू कई हफ्तों से नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़, बहुओं से छेड़छाड़ और परसों की जो रात की घटना है बाजार चौकी में अल्लाह अकबर के जो नारे लगे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? लगातार जिहादियों द्वारा देवभूमि पर हमला, बहु बेटियों के साथ दुर्व्यवहार और प्रशासन की नींद में सोना, ये 2-3 चीज़ों का संकेत करता है। या तो यहाँ के पुलिस प्रशासन की पाकिस्तानी एजेंसी कंपनियों से कोई साझा है, क्योंकि ये जो जिहाद है ये लोकल नहीं है, इसका तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, या फिर यहाँ का जो प्रशासन है एंटी सरकार के, वो कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करना चाहता है, सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। तो फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इस पर जो है संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए आगे प्रशासन पर, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुनाव ही जिहाद मुक्त उत्तराखंड से जीते, आपको जानकारी दे दी। और समान नागरिक संहिता और जिहाद 2 उनके विषय थे जिसके कारण से वो दोबारा सरकार में आए, और वो कहते भी इस बात को, देवभूमि को बचाना मेरा धर्म है, देवभूमि की संस्कृति को बचाना धर्म है। उसके बाद भी प्रशासन पूरी तरह लापरवाही करता है, तो फिर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि प्रशासन के साठगांठ तार कहाँ से जुड़े हुए। और विकास नगर पाकिस्तानी गतिविधियों का केंद्र है ब्राइट एंजल स्कूल, ये सबकी जानकारी में आ गया है कि वहाँ जो काम करने वाले और रहने वाले लोग हैं, भारत की भी नागरिकता है, पाकिस्तान की भी नागरिकता है, कभी पाकिस्तान जाते हैं, कभी आते हैं, पाकिस्तान से फंड आता है, तो ये सब हो रहा है, सरकार की जानकारी में है, तो क्यों नहीं हो रहा है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी सरकार में प्रभावशाली बैठा हो और वही इनको संरक्षण दे रहा हो, तो भी सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि इससे अंततोगत्व सरकार की बदनामी होने वाली है और चुनाव निकट आने वाले, तो नुकसान किसको होगा? इनको नुकसान होगा। तो उनको समझना चाहिए कि ये लगातार गतिविधि कर रहे हैं, इनके हौसले डाउन नहीं हैं, बल्कि हौसले बढ़ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, ये न तो देवभूमि के लिए ठीक है, न सरकार के लिए ठीक है। और मैं तो यहाँ कहूँगा कि पुलिस प्रशासन को भी गलतफहमी है, आज इन्होंने चौकी पे हमला किया है, कल ये थाने पे हमला करेंगे, कल SDM कोर्ट पर कब्जा करेंगे। खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।